देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस पर्व की खुशियां हर ओर देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ ऐसी जगह भी है जहां होली नहीं खेली जाती। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में और ये भी जानते हैं कि क्यों यहां होली नहीं खेली जाती। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले की। यहां बसे दुर्गापुर गांव में लोग होली नहीं मनाते। इसके पीछे ये माना जाता है कि यहां 100 साल पहले तत्कालीन राजा के बेटे की मौत होली के दिन हो गई थी और राजा ने यहां के लोगों को होली खेलने से मना कर दिया था। उसके बाद से ही दुर्गापुर में लोग आज भी होली नहीं खेलते। ये तो बात हुई झारखंड की। अब जानते हैं गुजरात के एक ऐसे श्रापित गांव के बारे में जहां 200 साल से होली नहीं खेली गई। ये जगह है रामेश्वर, जिसे रामसन के नाम से भी जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर पड़े इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां करीब 200 साल पहले तत्कालीन राजा की दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर संतों ने पूरे गांव को श्राप दे दिया था, जिसके बाद कभी यहां होली नहीं खेली गई। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की, जहां होली के दिन रंग न खेलने का प्रचलन है। होली पूर्णिमा को यहां के लोग मासी मागम के रूप में मनाते हैं। उनका ये मानना है कि इस पवित्र दिन में उनके पूर्वज और आकाशीय जीव तालाबों और नदियों में डुबकी लगाने धरती पर आते हैं। हालांकि दक्षिण भारत के अन्य स्थानों पर होली की रौनक देखी जा रही है। तमिलनाडु एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पुडुचेरी आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए होली पर तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी होली खेली जाती है। होली की रौनक यहाँ के बाजारों में देखी जा रही है। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।